मेरे प्रिय छात्रों, आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दिए गए होमवर्क को बनाएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नाम, क्लास और प्लेस को लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, देख सकते हैं ये रूट वाला जोड़ है, ठीक है। तो हमें जोड़ना है 6√5 जोड़ 2√3। हमको इसको क्या करना है बाबू, जोड़ देना है। अच्छा एक बात बताइए, एक दूसरा से कोई जुड़ता है कब, जब उसके भीतर का मन क्या हो जाता है? अगर उसके भीतर का मन अगर बराबर नहीं होगा तो क्या वो उससे जुड़ेगा? नहीं। आइए, इसके भीतर में क्या है और इसके भीतर में क्या है, तो इसका मन क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर यही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये कभी नहीं जुट पाएगा, ठीक है। हाँ, जुट पाएगा उस आधार पे जब यहाँ √5 का मान लिखा जाएगा और इसमें 6 में गुना, √3 का मान लिख के 2 में गुना किया जाएगा तो जुट पाएगा। लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसके भीतर का मान क्या है? 7, और यहाँ पे क्या है? क्या ये जुट पाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, उतार लीजिए। प्रिय अभिभावक, आपसे अनुरोध है, आप अपने मोबाइल का नेट और डाटा बैलेंस यूं ही बेकार न करें। अगर आपके घर में अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को यह वीडियो दिखाएं, और आप भी स्वयं एक शिक्षक हैं, एक इस वीडियो के माध्यम से आप भी पढ़ाएं। धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्रों, आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दिए गए होमवर्क को बनाएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नाम, क्लास और प्लेस को लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं बाबू, क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे रूट वाला जो घटाव होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो रूट के क्वेश्चन से क्या करते हैं? डरते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। अब ये देखेंगे, 6√5 माइनस 2√3 हो गया। देखिए इसके भीतर में देखिए 5 है, यहाँ भीतर में देखिए क्या है? 3। क्या दोनों बराबर है? नहीं। जब दोनों बराबर होगा तभी हम घटाएंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं। इस तरह के तमाम वीडियो हम डाले हुए हैं रूट वाला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं चैनल पे जा करके, ठीक है। लगातार पढ़िएगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अंदर वाला ये बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए 6√5 माइनस 2√5 होता तो दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे √5 हो गया और 6 में से 2 गया 4। इस क्वेश्चन को तो हम बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 5 है और इसके अंदर में 3 है, इसको हम नहीं घटा सकते हैं। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया? यही हो गया। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? बनाइएगा। ओके प्रिय अभिभावक, आपसे अनुरोध है, आप अपने मोबाइल का नेट और डाटा बैलेंस यूं ही बेकार न करें। अगर आपके घर में अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को यह वीडियो दिखाएं, और आप भी स्वयं एक शिक्षक हैं, एक इस वीडियो के माध्यम से आप भी पढ़ाएं।